हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फिलहाल आज है डे टू हमारे क्रूज का और आज का दिन भी पूरा पूरा क्रूज के अंदर जाने वाला है। तो आज आप लोग को पूरा क्रूज घुमाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि कल हम लोग घूम चुके हैं। अब हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पर है, अब आज आपको दिखाते हैं। फिलहाल कुछ खाने चलते हैं। चलो चले सर। चलो यार, वैसे आपको एक चीज बताऊं, ये देखो ये आइटनरी टाइप की आती है। यहाँ पर हर एक घंटे में और डेढ़ घंटे में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सुबह चालू हो जाता है सुबह से। अब ये सारी चीजें अटेंड करना हमारे बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें से कुछ कुछ चीजें अटेंड करेंगे। हाँ, कुछ कुछ चीजें, लेकिन सारी चीजें सबके इंक्लूडेड भी नहीं होती। जैसे देखो हमारे पासेस वगैरह आ चुके हैं कि हमारा जैसे थिएटर का शो है वो हमारा इंक्लूडेड है, ऐसे करके गोवा में उतरने का, और गोवा में उतरने का भी पास आ चुका है हमारा। तो ये सब चीजें आपको सब बता दें। फिलहाल कुछ खाने चलते सबसे पहले। आज सुबह बताया वो था बल्ले बल्ले शो। ये क्या होता है भाई, हमने मिस कर दिया। अपन ने मिस कर दिया यार, हम लोग उठे लेट थोड़ा सा, फिर नहाने धोने और चक्कर में चले गए। कोई बात नहीं, बट बाद आप लोग अटेंड करना जब आप लोग कभी आओ। अभी तीन दिन हो रहे हैं यार, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। और हमें पता क्या लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं आज हमें पता है बार बार क्या लग रहा है। अरे अभी तो बहुत दिन है, आराम से कर लेंगे, कल कर लेंगे ऐसा सीन चल रहा है। लेकिन आज आपको पूरा टूर देते हैं इस क्रूज का। रूम टूर तो हम ऑलरेडी आपको दे चुके थे, बाकी जगह को दिखाते हैं। ठीक है, चलेंगे गाइस, खाना खाने चलते हैं। तो सभी हम लोग खाने आए, देखो कितनी सारी नूडल्स लेके आई है, पापड़ लेकर आई है, सैलेड लेके आई है, चावल और ये आलू चाट, दही मैंने लिया, स्प्राउट सैलेड, राइस दाल। और कैसे तू मुझे ये कह रहा है कि मैं डाइट नहीं कर रहा, लेकिन तू कर रहा है चुपचाप। नहीं नहीं, मैं भी नहीं कर रहा डाइट, हम लोग डेजर्ट वगैरह खा ही लेते हैं। टीपू का ये पत्ते का एक ले लेके आया तू। इसके पीछे रखा नूडल। बाकी लोग अभी आ रहे हैं, नहारे धो रहे हैं। दोस्तों अभी खाना वाना सब हो चुका है। सबसे पहले मैं आ गया यहाँ की फेवरेट जगह पे, जो आपको कभी भी आप यहाँ आओगे तो आपको फेवरेट लगेगी। पीछे बिल्कुल एंड कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ समुद्र। इधर सिर्फ समुद्र, इधर आप घूम फिर सकते हो, उसके उधर पूरा समुद्र, चारों तरफ समुद्र है और कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर आपको। गाइस पूरा समुद्र आप यहाँ से देखो, एंजॉय करो। और हम लोग एकदम बीच में है अभी, आगे वाले फ्रंट वाला जो एरिया है वहां से भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी। और सबसे ज्यादा मजा इसी एरिया में आता है। फिलहाल तो अभी धूप है, हम लोग छाया में खड़े हुए हैं। दिन के अंदर आप लोग ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। बेस्ट टाइम इस जगह का है सनसेट या सनराइज। सनराइज हमसे देखा नहीं जाता, सनसेट आज हम देखने वाले हैं, वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और यहाँ से ऊपर से मैं इधर का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ पर लोग बाग सबसे ज्यादा पार्टीज और स्विमिंग पूल वो सब एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इस क्रूज का सबसे ऊपर वाला टॉप एरिया जो खुला हुआ है वही मेनली है सारी पार्टीज के लिए और मजे करने के लिए। यहीं पर फूड कोर्ट है, यहीं पर बार भी है, पूल भी है, जिम भी है, क्लब भी है, सब कुछ यहीं पर है। देखो कितनी बड़ी शिप है ये, अभी आगे तक हम लोग जा सकते हैं, फ्रंट व्यू देख सकते हैं, जहाँ से पूरी ऐसे पानी को काटता हुआ कैसे चल रहा है हमारा शिप, आपको दिख जाएगा हमारा क्रूज। और ये है कुछ टॉप एरिया, जब हर जगह साइड पर आपको सिटिंग एरिया दिखेगा, बीच में पूल है, उधर डीजे वाले का एरिया है ये, उसके उधर की साइड डांस करते हैं, वहां पर सामने बार है, उसके पीछे वाला जो एरिया वहां पे जिम है और क्लब भी है। पानी को काटते हुए दिखता है ना पीछे वाला, हाँ जिम के पीछे वो व्यू है। और इधर इस एरिया में नीचे आप लोग फूड खा सकते हो, ये जो एरिया में हम खड़े इसके नीचे फूड कोर्ट है उस साइड की तरफ, तो वहां से आके बाहर बैठ के भी खा सकते हो, अंदर भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये ऊपर का एरिया सबसे अट्रैक्टिव है, अभी धूप तेज है, शाम को भी दिखाऊंगा जब रात को पार्टी वगैरह होगी तब भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं आगे। देखो यहाँ चारों तरफ आप घूम सकते हो, अपने फोटोज क्लिक कर सकते हो, हवा काफी ठंडी ठंडी है, बस धूप तेज है ना टीपू। देखो गाइस यहाँ पे हवा कितनी तेज है, आई थिंक आप लोग को म्यूजिक आवाज में भी थोड़ा सा हवा की वो आ रही होगी नॉइस। ये हमारे क्रूज का फ्रंट वाला पार्ट, देखो ये हमारा रूम है और ये इसके सामने ही सिटिंग एरिया, कल का क्या सीन था, कल दिन के टाइम ही आए थे, हाबड़ तोबड़ चल रही थी इधर उधर सब, अब क्या सेटल हो गए सब, कल हम परेशान हो गए थे, अब कल परेशान हो गए थे थोड़ा सा क्योंकि हाबड़ तोबड़ सब इधर उधर घूम रहे फिर रहे थे, मैंने कहा इतनी भीड़ कैसे हो रही है यहाँ पे, लेकिन अब क्या सब सेटल हो गए, अब एकदम खाली है, अपना एंजॉय करो, सब अपने अपनी जगह पे एकदम सेट है और मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मजे कर रहा है। ये वाला एरिया हमारे रूम का है, जैसे इधर वाले रूम है और इधर वाले रूम है, ये दो जो लाइन है इसमें सी व्यू रूम्स है, और शायद यहाँ पर सिर्फ 69 रूम्स है, 69 89 में काउंटिंग भूल गया, जो कि सी व्यू वाले, जिसमें ऐसे बालकनी मिलेगी, छोटी सी वो मिरर मिलेगा जिसके अंदर से आप बाहर का व्यू देख सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर और एक और जगह जहाँ पर लग्जरी रूम है जिसके अंदर प्रॉपर बालकनी, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर है ना वो, हाँ, 9th floor. प्रॉपर बालकनी है जिसके अंदर वो, लेकिन सिर्फ 30 रूम है, वो ऑलरेडी सब फुल थे, पैक थे। हम कोशिश करेंगे कि गोवा में जब वो लोग उतरेंगे तो हम अपना रूम अपग्रेड कराने की, क्योंकि अभी तो फुल पैक है,
तब अगर हो पाया लक्षद्वीप के लिए तो हम आपको उसका टूर भी देंगे पक्का से। और बहुत सारे एरिया यहाँ पे, मतलब सिटिंग एरिया तो इतने सारे, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कर सकते हो, और हर फ्लोर पे मस्त अपने, और ऐसे कोई डिस्टर्बेंस वगैरह भी नहीं कि कोई परेशान कर रहा हो आपको या किसी की वजह से आप परेशान हो रहे हो, सबका अपना ना, इतनी बड़ी शिप है कहीं पर भी बैठ जाओ, चार जगह पर सिटिंग एरिया है, चार जगह पर, तीन जगह पे खाने वाला एरिया, जैन फूड भी अवेलेबल है अलग से, और एक साथ तीन जगह फूड चल होता है, जहां मर्जी जिसको जगह पे वहां पर, एक रूफ टॉप भी हो गया, नीचे भी हो गया, मतलब जिसको बाहर वगैरह के साथ खाना है वो वैसे भी जैसे मर्जी वैसे सेपरेट ही सिस्टम। तो पानी बहुत बढ़िया है। अभी यशी एक बार रेडी हो गया है, फिर नीचे से घुमाते हैं आपको ऊपर तक। अरे यार बंद हो गया, हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए थे, सेकंड का तो है ही नहीं, ऐसे थ्री से स्टार्ट है पागल अपना, नीचे पूरा सामान रखा हुआ था, वहाँ पे अलाउड नहीं थे हम लोग। चलो अब घूमते हैं, आपको टूर देते हैं क्या क्या है यहाँ पर। थर्ड फ्लोर है, तो रूम है अच्छे वाले, हो गए ऊपर गए, ऊपर चलते हैं। नहीं नहीं स्टैंडर्ड है दी, अपना तो प्रीमियम है, 350 रूम है इसमें, कोई व्यू नहीं है, कोई बालकनी नहीं है, मतलब ओवरऑल कितने रूम्स हैं इसमें? एक जगह 350, एक जगह 35 है, एक जगह 69 है, 450। ये वाला एरिया अभी तो बंद है, अपन लोग रात को एक बार यहाँ आएंगे, लेकिन वैसे उन्होंने बोला था हाँ रात के टाइम आपको करना है, तो इंडोर वाला लंच करो या डिनर करो। देखो 7:30 से 10 बजे का टाइम है, 12:30 से 3 बजे का टाइम है लंच और डिनर। मेन्यू में क्या क्या देखा आज? ब्लूबेरी केक, ब्राउनी, चुरोस, बूंदी, पिस्ता बर्फी, महालबाई। अभी सेम ही लगता है, रेस्टोरेंट है, मतलब अंदर भी बैठ के खा सकते हो, किसी को ओपन खाना है, व्यू एंजॉय करते हो तो ऊपर जाते हैं सब लोग, तो ऐसा सीन है। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो रात को यहाँ पर आते हैं, ठीक है? यार इधर की साइड भी व्यू तो है ही इनके साथ में, हाँ व्यू तो है, हाँ एम्बियंस इसका ज्यादा। चलो अच्छा ऊपर चलते हैं, तो बहुत अच्छा है यार। गाइस देखो सीढ़ियों वाला एरिया से सबसे सेक्सी लगता है यहाँ पर, मस्त लग रहा है। फोटोग्राफी एरिया है उसके अंदर आपको ऐसे विंडोज मिलेगी जहाँ पर आप, हम तो बेवकूफ की तरह वहाँ बैठे, यहाँ बैठ सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो समुद्र को, पूरे फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं, फोटोज और वीडियोस में सही है ऊपर से आएगी पिक्चर। अच्छा ये वाला जो फोटो गैलरी एरिया फिफ्थ फ्लोर पर है, यहाँ पर जो आपकी जब क्रूज में आप एंट्री लेते हो ना तो फोटोज क्लिक होती है, वो आप यहाँ से खरीद सकते हो, तो जब भी एंट्री पे क्लिक कराओ तो अच्छी से क्लिक कराओ ताकि आपकी याद रहे। भाई मैंने और $5 की फोटो 840 तो मस्त लग रहा है, महंगी यार फोटो, एक फोटो प्लस टैक्सेस लगभग 500 की एक फोटो, 500 की एक फोटो मिल रही है, ले लो भाई अपने फोन से क्लिक कर लेना। बैठने का लगता ये भी अच्छा है, अच्छी एरिया बना रखा है ये बहुत। फ्रेंड्स यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है चॉपस्टिक, जो यशी का बड़ा मन है इसमें जाने का, अभी बंद होगा चाइनीज, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज मिलता है ना, एंड आई लव चाइनीज फूड। यहाँ पे सेटअप बहुत अच्छा कर रखा है, और क्या है ये, क्या है ऑथराइज्ड पर्सन ओनली और नो गेस्ट, इसमें अलाउड है क्या? एक और सेटिंग एरिया रेस्टोरेंट, यहाँ पर लाइव म्यूजिक चलता रहता है पूरे टाइम, पूरे टाइम तो नहीं पता लेकिन हाँ चलता रहता है, शाम को भी चल रहा था, अभी दिन के टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आप अपना लाइव म्यूजिक सुनते सुनते चाय पी सकते, सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो, चाय पी सकते हो। गाइस ये है सबसे मेन पॉइंट, अब यहाँ का व्यू देखो, ऊपर ले जाओ, ओ भाई ये है शानदार, ऐसा लग रहा है मॉल के अंदर आ चुके हैं, है ना? अंदर आके मॉल। अच्छा ये फिफ्थ फ्लोर है जिसके अंदर चेयरमैन्स क्लब है, जो हम जिसमें आए थे, जिसमें लाइव म्यूजिक चल रहा होता है, इस जगह से दिव्य को इतना प्यार है कि वो यहाँ से दोबारा घर जाना चाहते ही नहीं है। अरे क्यों आप बताओ क्यों? लिफ्ट लेके पसंद आ गया, नहीं लिफ्ट बहुत अच्छी लगती है। फ्लोर पे हेल्प डेस्क है और रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी बैठने के एरिया तो ढेर सारे बनाए हुए, बहुत सारे थिएटर भी है जिसके आपको टिकट्स मिलेंगे शोज के, वो रोज रोज अलग अलग चलते रहते हैं। आज 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 है तो 11 बजे नहीं 11 बजे तो हुए अपना, हो गया सुबह सुबह शो का नाम बल्ले बल्ले, लेकिन आज भी है रात को अलग है, आज होता रहता है, बंद है अभी ओए बल्ले बल्ले दे मेरा वो लिखा 11 बजे 6 PM होगा अभी। आप अगर अपने पार्टनर के साथ आओगे तो हो सकता है आपको यहाँ खर्चा करना पड़े। यहाँ पर है ज्वेलरी की शॉप, कितने का है? $10 का, $10 मतलब 800 रुपए का एक ज्वेलरी, खूब सारी बैग पर सब लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों का कुछ नहीं है, लड़कों के है ना वो कपड़े वो खड़ा है ना, बस एक ही आ जाओ के अंदर
चॉकलेट्स अपन शॉपिंग कर सकते हो चॉकलेट्स की, है ना। अपन टेंशन में देखिए क्या खाएंगे पियेंगे, चॉकलेट वगैरह शॉपिंग कर सकते हो। इधर क्या है, इधर हम कार्ड्स और देख रहे हैं, इधर वो ज्वेलरीज और वो सब है, सब शॉपिंग के लिए पूरा, बट ज्वेलरीज आउटफिट बच्चे का टॉयज बियर के ग्लास। इधर प्राइस की शॉप, प्राइस प्राइस सामने है कैसीनो, इसके अंदर शूट अलाउड नहीं है। और इसकी स्टोरी में आपको हमारी वाली अगले व्लॉग में बताऊंगा, बैंक है एंड जहां बाहर आकर आप लोग एंजॉय कर सकते हो। यार अपन ने टेबल्स तो अपनी ऑलरेडी सारी बुक कर चुकी है। यहां पर हम आए थे पता है क्यों, यहां पर हम आए थे पता है सूरज में इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए आए थे। हां इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए, अभी हम लोग खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जो जो चीजें हमारे को दिखती जा रही है आपको बताते जा रहे हैं। लेट्स सी पीछे का व्यू, अगर वो जो जाता हुआ दिखता है ना वो पीछे का वो दिखाएगा तो मजा आ जाएगा। बोलो ना क्यों दिखता है वो व्यू, पानी तते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, झुके बदन से हवाई चांद से है। हर जगह सिटिंग का यही वो है, ये सेक्सी एरिया है, हर जगह सिटिंग का है अपने पास। अपन ने देखा, अपन को तो सारा कुछ पता ही था। लाओ सुरजू यहाँ पर आ, यहाँ पर यहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है, सीनों में चिंडोला गोंडोला इंडोला। अरे नहीं, हाँ वो शो चल रहा है सूर्य, कोई बहुत बढ़िया शो, कोई बढ़िया शो वगैरह चल रहा है। ये बैग ले लिया क्या? बिल्कुल बैग नहीं है सूर्य, दो रहे भाई, दो रहे शिफ्ट बिल्कुल बैग ही तो है। अरे बिल्कुल बैग चल रहा है ये भैया, अभी चल नहीं रही क्या? चल रही है, नहीं चल रही भाई, तो पानी नहीं चल रहा ना, अभी नहीं चल रही ना भैया, अभी रुकी हुई ना, कब चलेगी ये? शाम को चलेगी ये, फड़ी है सुबह से, मुझे भी। और मैं पता क्या सोच रहा, ये ना वेव्स है ना, इन हवा की वजह से जो वेव्स बन रही है उसकी वजह से हमें वो फील नहीं हो पा रहा साइड का जाते हुए का। ये एकदम वेव्स वाले टाइम पर नहीं चलते दिन में, सिर्फ रात रात चलते जब पानी एकदम शांत होता है। चली थी तो बहुत, एक दिन में पहुंचा दे। हाँ अभी रुकी चल रहे हैं। हाँ। नहीं यार, मैं ये एक जगह ऐसे डुलम डुलम हो रही है, आउटफिट कर लिया है मेरा चेंज, अभी हम लोग कराने वाले हैं शूट। अब सनसेट पॉइंट ऐसा होता है, एक सनराइज और एक सनसेट, जहाँ पे आप बहुत अच्छा शूट करा सकते हो ऊपर। तो अभी ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा शूट करवा रहे हैं हम लोग। गाइस तो आपका स्वागत है वैनिटी में। यो गाइस, हम लोग रेडी हो रहे हैं अभी शूट के लिए। यप देखो, हम लोगों ने ब्लू ब्लू आउटफिट पहना है। तो अभी पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये पता नहीं कितनी देर में आएगी, मैं एटलीस्ट जाके लोकेशंस वगैरह मैं और टीपु देखते हैं कि कहाँ अच्छा आ रहा है। 5 मिनट में आ गई मैं भैया, मैं टाइम नहीं लगा रही, उसको लेके आ जाना ऊपर, है ना। यस शिको, उसमें बता देना कि शिप चलता है तो साइड की वेव्स बहुत खतरनाक लगती है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। अभी चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है ना, अभी चालू हो चुका है। हवा की वजह से थोड़ी सी नॉइज करती होगी, लेकिन यहाँ मैं टेक डाल दूंगा ये वाला। कुछ ये नजारा रहता है यहाँ का साइड से देखो तो, और पीछे साइड से भी अलग नजारा है, वहाँ पर थोड़ी भीड़ थी इसलिए वहाँ गया नहीं मैं। अभी यहाँ हम लोग शूट करा रहे हैं, यहाँ सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट। गाइस ये देखो बच्चे बेचारे एक पापा को अपने परेशान कर रहे हैं, फिर कभी पाव खींच रहे, कभी क्या कर रहे हैं बेचारे के, सोने दे रहे अंकल को यार, वेरी बैड। और गाइस यहाँ का व्यू, वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर ऊपर, क्योंकि ये सामने ब्यूटीफुल सा सनसेट आपको देखने को मिलता है। और अभी और ब्यूटीफुल करता हूँ उसको, ये देखो अब क्यों मेरी फोटो, अरे मैं अपना फ्रेम अच्छा कर रहा था। ब्यूटीफुल सा सनसेट और ये हमारा शिप चल रहा है, वापस लोग है क्या चल रहे हैं भाई साहब? ये देखो पूरे शिप पे सारे लोग ऊपर आ जाते हैं इस टाइम पर, क्योंकि सब सनसेट देखने के लिए आ रहे होते हैं। कलम सो गए थे बट लेकिन आज मजा आ रहा है, हमने अपने फोटोज वोटोज क्लिक कराए बहुत प्यारे। अभी सब शूट मोड पे थे, देखो भयंकर शूट करना है, बहुत मुश्किल है। हाँ मेरा फोन सबके सब फोन मजा आ रहा है, जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है, कितना अच्छा है भाई। अच्छा हो गया। हाँ मस्त मस्त मस्त, एक्टिंग लगा पर आज तो बहुत एंजॉय किया। अब तो एंजॉय, अभी तो डांस करेंगे भयंकर, आज देख जल्दी सोऊंगा आज डांस करके। अच्छा दोस्तों अभी बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ, हम 2.5 घंटे से एक दूसरे से नहीं मिले, ठीक है। अभी क्रूज इतना बड़ा है, इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अपने पास फोन तो होता नहीं है, नेटवर्क कुछ है, नेटवर्क वेटर कुछ है नहीं, सीन आसपास घूम के ढूंढना पड़ता है किसी को भी ढूंढना है तो। फोन डब्बे, हाँ यहाँ पर फोन तो डब्बे है बिल्कुल। ओ भाई पता क्या सीन हुआ, ये लोग नीचे चले गए शूट पे, मैं और रितेश सबसे टॉप फ्लोर पे, हम लोग उधर घूम रहे ऐसे घूमते 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 ऐसे इधर उधर बातें बातें कर ली। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं, रितेश जी चले गए किसी और से बातें करने,
मैं अकेला घूमता घूमता नीचे आया, फिफ्थ फ्लोर पे आया, सिक्स फ्लोर पे आया, सेवन पे, एट पे, ये दिखाई नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ शूट कर रहा है, इधर उधर इधर उधर, एक घंटा चलता रहा, मैं थक गया पूरी तरीके से। फिर मैं ऊपर हितेश जी को ढूंढ रहा, तो हितेश जी भी गायब हो गए। हितेश जी हमें ढूंढने गए आधा घंटा, मैं ऊपर गया तो हितेश भी गायब हो गया, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा। अब पता फिर पता क्या सीन हुआ, जब मैं और वो मिले ना आधे पौन घंटे बाद, तो मुझे बोलता मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ, मैं उस बोल रहा कि मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। फिर हम लोग खाना खाए, खाना हो भूख, और मैं थक गया, मैं एक घंटा घूमते घूमते हैं। अरे तो मैं थक गया यार ढूंढते ढूंढते तुम्हारे को। हम तो सिक्स पे थे, फिर फिफ्थ पे थे, शूट कैसा होता है, देखो इधर भीड़ है इस तरफ आ जाए, फिर उधर भीड़ है, फिर हम उस तरफ चले जाए, यही कर रहे थे बहुत देर से। मेरे तो काउस बन गए, देखो घूमते घूमते हितेश जी तुम्हें ढूंढने गए वापस, वो आधा घंटा हो गया ढूंढ रहे उस इंसान को ढूंढने देते हैं और हम सब पता क्या चलते हैं ऊपर चलते साइड में चलकर बैठ जाते हैं, देखते कब आएगा वो। तू बैठेगा ना वो ढूंढेगा थोड़ी, वो बोल के क्या मुझे ढूंढने गया है, वो एंजॉय कर रहा है, वो लाइव म्यूजिक सुनने गया है। हां लाइव म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। हां वहीं गए तो वो खाना लगे, उसने यहाँ पर क्या 8-10 दोस्त बना लिए हर थोड़े दिन में किसी। हाँ सब पूरी मतलब जब 200 लोग है ना, 100 दोस्त उनके अंकल जो बड़े बड़े हैं, तो 200 के लोग है ना, 150 के जान कर रहे हैं। आंखें जो तेरी